हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है टिफिन बाकिया की ड्वार्फ वैरायटी और मैं आज आपको बताऊंगी कि आप इसको मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं। जो टिफिन बाकिया बड़ा वाला होता है उसको तो आप स्टेम कट करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट इसमें क्या होता है, इसमें अलग से साइड से प्लांट्स निकल कर आते हैं और ये बुशी हो जाता है। तो अगर आपको इससे न्यू प्लांट बनाने हैं तो आप इसको, जैसे ये यहाँ से ग्रोथ निकल रही है, आप इसको यहाँ से कट करके, जहाँ से स्टार्ट हो रही है वहीं से कट करके इसको अलग करके और अलग से किसी पॉट में लगा दें। और सॉइल थोड़ी ऐसी होनी चाहिए जिसमें पानी ना रुके, जिससे कि ये गले ना। और आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आप इससे एक नया प्लांट बन गया है। जैसे देखिए, ये भी इसमें ग्रोथ निकल रही है। तो अगर आप इसको लगाना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ से अलग कर लें और अलग करके इसको लगा दें और इससे एक नया प्लांट आपका बन सकता है। तो देखिए, ये मैंने इसी की कटिंग लगाई थी और आप देख सकते हैं ये काफ़ी अच्छे से चल गया है। मैं इसको आपको निकाल के दिखाती हूँ कि इसमें कैसी ग्रोथ हुई है। देखिए, ये मैंने इसमें से निकाल लिया और देखिए इसमें ये रूट्स बन गई हैं और इससे मेरा एक न्यू प्लांट बन जाएगा और ये भी इतना ही बड़ा हो जाएगा और काफ़ी अच्छा लगता है ये प्लांट और इसको ग्रो करना काफ़ी आसान है। तो इस तरीके से आप लगाएं और जब भी आप इसकी कटिंग को लगाएं तो इसको धूप में ना रखें। वैसे भी ये एक इंडोर प्लांट है तो इसको धूप में ना रखें। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें।